गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैंने एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और आज इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ रुड़की हरिद्वार हाईवे से। बाकी अभी रुड़की से मैं निकला हूँ, 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हाईवे पे खड़ा हूँ इस समय और हाईवे पे गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है। बाकी मैं अब रुकूँगा, अभी हरिद्वार में रुकूँगा। अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो 10-10 के आसपास मैं हरिद्वार पहुंच जाऊंगा। बाकी आप इधर का भी व्यू देख सकते हो, यहाँ पे व्यू तो है नहीं ऐसा कुछ, बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखने को मिलेंगी। तो बाकी निकलता हूँ अब यहाँ से आगे। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है अभी 9:45 और पहुंच चुका हूं हरिद्वार में। अभी फ्लाईओवर के सामने खड़ा हूं और आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं गंगा का, इधर से काफ़ी गजब का व्यू आ रहा है। तो मैंने सोचा यहां पे भी एक शॉट ले लिया जाए। बाकी आप देख सकते हैं फ्लाईओवर पर खड़ा हूं इस समय, जैसे तो गाड़ियाँ आ रही हैं और बाकी आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी बाकी मैं आपको बैक कैमरे से ही दिखाता हूँ, काफ़ी बेटर दिखाई देगा बैक कैमरे से। बैक कैमरे से काफ़ी बेटर व्यू आ रहा होगा, आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा है गंगा में। लेकिन ये भी शायद में मेन गंगा नहीं है, ये खाली एक नहर है, क्योंकि पानी हरिद्वार में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी आप इस साइड का भी व्यू देखिए, कि दोस्तों कल इंस्टाग्राम की जो रील थी मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी थी, तो आज भी एक दो रील बना लेता हूँ यहाँ पे। बाकी निकलता हूँ फिर यहाँ से आगे, क्योंकि अभी घर जाना है, तो आज तो टाइम लग जाएगा आज भी। तो बाकी इंस्टाग्राम की अगर आपको रील देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर जाके या जो मेरा यूज़र नेम है उसको टाइप करके सीधे आप इंस्टाग्राम में जा सकते हो, वहाँ पे आपको रील देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा आगे निकला ही था और मेरे को यहाँ पे हरिद्वार में एंटर करते ही कुछ गजब का दिखा। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। आप ये मेरे सामने देख सकते हैं कितना गजब का है, और आपको ऊपर पीछे दिखाई दे रही होगी एक मंदिर है, वो मनसा देवी मंदिर है ऊपर चोटी पर। और ये देखिए आपने क्या गजब का बनाया हुआ है। बाकी आपको मैं यहाँ पे फाटक हैं, फाटक पे पानी दिखाता हूँ, इतना ज़्यादा पानी है इस समय गंगा में। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना भयानक है। बाकी दोस्तों ये देख के तो बड़ा गजब, बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के। मैं हूँ इस समय हल्दीपाड़ी हरिद्वार में और आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं गंगा का कितना बहुत रूप है, काफ़ी बहुत सारा पानी है इस समय गंगा में। और सामने आप मेरी हल्दीपाड़ी देख सकते हैं, ऊपर मनसा देवी मंदिर है। बाकी साइड में भी देख लीजिए, लेकिन गंगा में इस समय पानी बहुत ज़्यादा है। तो बाकी दोस्तों निकलते हैं यहाँ से भी अब आगे। हेलो,
टी नहीं से समण पाण रोड साथ चक ने ना ना ये मत नहीं जाना ना तो ये मां रोड पूरा आना यार चल रोड आना चलो जाने दे बंद कर मैं ध्यान रहा है वो जगमा नहीं जा मन ताकि इन्हें पता लगना फिर मत नहीं चल रहा अब निकल चुका हूँ घर की ओर इसी के इस बद्रीनाथ हाईवे पे हूँ अभी और अभी शायद में इधर बारिश हुई है तो जिस तरह कल गर्मी थी उस तरह है नहीं आज थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है बाकी माइक भी मैंने लगा लिया है तो अभी पता नहीं है कि वॉइस कैसे क्लियर है या नहीं है चल 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 ना ना वो गड्ढा जाएंगे यहाँ पर पहाड़ों की ओर बढ़ते ही दोस्तों गर्मी अब इतनी महसूस नहीं हो रही है गर्मी ख़त्म सी हो गई है बाकी ये जैसे कल थी गर्मी बहुत ज़्यादा थी कल तो आज तो नहीं लग रही है क्योंकि ऊपर बारिश हुई है ना 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 आगने बैठा आगने आगने हाँ बाकी ये जो रोड जाता है ये श्रीनगर के लिए सीधा श्रीनगर बद्रीनाथ के लिए जाता है आगे आप बोर्ड देख सकते हैं बाकी मेरे को यहाँ से राइट होना है आगे से नीलकंठ वाले पे जाना है मेरे को पता नहीं दोस्तों पहली बार मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ठीक है ना गाड़ी देख ले गाड़ी देने में तो कोई पता नहीं है कैसे हो रही है कैसे नहीं